स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस का जो है ना वो सिलसिला का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें जो है ना हम लोग अभी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था वो टर्म यूज इन गियर्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट जो टर्म यूज़ होती हैं गियर के जो डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उसमें ये जो है ना हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया था कि जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ आपको पिच सर्कल है, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ जो हम लोग पीछे कवर कर रहे थे। पिच सर्कल बेसिकली जो है ना मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी सर्कल होता है जो कि प्योर रोलिंग एक्शन के जो है ना उसमें, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमने इमेजिनरी सर्कल ले लिया यहाँ पे, ये जो है ना इमेजिनरी सर्कल जो है ना इसको हम पिच सर्कल कहते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो पिच सर्कल डायमीटर होता है। इसी तरह हमारे पास जो पिच पॉइंट वो होता है जहाँ पे जब दो गेयर मैश हो रहे होते हैं उनका जो कॉमन पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट ऑफ बिटवीन, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये एक हमारे पास दो एक इसका जो जो पिच सर्कल है और इसका इनका पिच सर्कल इधर यहाँ पे टच हो रहा है आपस में, जैसे ये मैश हो रहे हैं यहाँ पे गेयर, तो ये इसके अंदर पिच पॉइंट है, इसको जो है ना हम जो है ना पिच पॉइंट कहते हैं। इस एरिए की जो ये बिल्कुल ये आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है इसको हम पिच पॉइंट कहते हैं। इसी तरह पिच सर्फेस जो है, पिच सर्फेस बेसिकली क्या है कि ये भी इसी तरह जैसे हमारे पास इमेजनरी हम उसको लेते हैं, जो हमारे पास जैसे हमने पिच सर्कल को लिया है यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली पिच सरफेस जो है ना वो भी इमेजनरी सरफेस होता है जो प्लेन को जो है ना फॉर्म कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क विच द मैशिंग गियर्स हैव रिप्लेस एट द पिच सर्कल, मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पिच जो है ना सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें बताया कि इमेजनरी सरफेस है, जैसे मैं यहाँ पे एक जैसे यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है पिच सरफेस एलिमेंट, ये आपने पिच सरफेस एलिमेंट जो है ना पिच सरफेस हम इसको हम ले लेते हैं, तो ये भी जो है ना एक हमें जो है ना एज्यूम करनी पड़ती चीज़ें कि हमको हम इसको किस तरह जो है ना वो लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो है ना प्रेशर एंगल ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रेशर एंगल बेसिकली एक एंगल है जो कि जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये प्रेशर एक एंगल जो जब दो गियर आपस में मैश होते हैं उसको जो है ना वो वहाँ पे जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है और उसके जो अगर हम उसमें एक जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पिच पॉइंट है जो हम लोगों ने अभी कवर किया, इसका अगर हम एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो उसमें जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास प्रेशर एंगल है। तो ये आपके पास प्रेशर एंगल होता है जो कि इसको हम जो है ना जो कि हम ज़्यादातर वन जो है ना वो 14.5 और 20 लेते हैं। आगे चल के हम आगे इस चीज़ को देखेंगे किसकी भी फर्दर जो है ना टाइप होते हैं इन्वोल्यूट और स्टब जो है ना गेयर सिस्टम होते हैं। तो इसमें ये प्रेशर एंगल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपस में जब इसको हम मैश कर रहे होते हैं तो उसमें ये बड़े काउंट करता है इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी जो गेयर की आपस में टीस हैं जो इसके मैश कर रहे होते हैं, तो इसमें ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडेंडम और डिडेंडम, ये भी हम लोगों ने इसका भी जो है ना डिस्कस किया था। एडेंडम आपके पास रेडियल डिस्टेंस है जो कि फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, मतलब आपके पास जो प्रेशर ये जो आपका अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास पिच सर्कल है, ये बिल्कुल दरमियान में जो नज़र आ रहा है, इसके जो हमारे पास जो टॉप पे है ना वो है आपके पास एडेंडम सर्कल जो मैंने ये आपको बताया था पहले भी उन लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो ये आपके पास जो है ना एडेंडम सर्कल आ रहा है, तो ये जो आपके पास जो टॉप है टॉप ऑफ द जो टूथ है वो डिस्टेंस जो है ना वो आपके पास एडेंडम का डिस्टेंस है। इस तरह एडेंडम का जो के आपके पास जो है ना बॉटम ऑफ द टूथ तक जो है ना आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास एडेंडम आ रहा है। इस तरह एडेंडम सर्कल जो है ना वो आपके पास वो है जो ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है, और जो एडेंडम सर्कल है वो सर्कल है जो आपके पास ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये जो है ना रूट से थोड़ा सा ऊपर इसको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि जो है ना ये भी हम आगे चल के देखेंगे रूट का जो है ना वो बिल्कुल हम थोड़ी सी क्लियरेंस देते हैं ताकि जो है ना गेयर्स की जो है ना वो वेयर एंड टेयर जो है ना ये थोड़ी सी हम इसके अंदर गैप देते हैं। जब भी हम जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये जो अगर आप देखें ये आपस में फुल मैश हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस इसको दी हुई है, इसको हम क्लियरेंस भी कहते हैं। तो ये जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर इसको जो है ना हम डिडेंडम सर्कल जो रखते हैं इसको हम जो नीचे सबसे जो लोएस्ट इसको जो है ना बेसिकली हम क्लियरेंस और वर्किंग डेप्थ सर्कल भी कहते हैं जो ये बिल्कुल नीचे हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है सॉरी बल्कि डिडेंडम सर्कल जो है ना हमारे पास बिल्कुल जो लोअर उसको में होता है उसको हम डिडेंडम सर्कल कह रहे होते हैं, और जो क्लियरेंस सर्कल वो होता है
जिसको हम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा क्लियरेंस दे के थोड़ी सी उसके अंदर, वो फिर हम जो है ना उसको क्लियरेंस और वर्किंग डेप्थ सर्कल इसको हम बेसिकली कहते हैं। इसके बाद जो सर्कुलर पिच, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्कुलर पिच, इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर जो गेयर्स की डिज़ाइनिंग होती है, इसको क्या कहते हैं हम, इट इज़ डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूल। देखें ये बड़ा सिंपल है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि हम लोग जो है ना इसको एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने ये ले लिया टीथ का, ये जो है ये वाला ले लिया, उसी तरह जो अगले बिल्कुल सर्कुलर पिच के जो अगला बिल्कुल एक पॉइंट होगा उसको जो है ना हम यहाँ तक लेते हैं, ये आपका एक सर्कुलर पिच बन जाता है। ये पिच के ऊपर जो एक पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से बिल्कुल एग्जैक्टली इसके आगे चल के ये जो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जाके हम जो पॉइंट लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, कहीं भी आप पॉइंट ले लेते हैं, अगर ये हमारे पास पिच सर्कल है तो इसका ये जो यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया, इधर से लेके जो अगला इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आगे पास पॉइंट होगा अगले टूथ का, वो जो है ना उसको जो है ना सर्कुलर पिच कहते हैं, जिसको हम पी सी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है पाई डी पाई टी से, जो है ना डी आगे पास होता है कैपिटल, डी जो है ना आगे पास होता है डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, मतलब ये जो पिच सर्कल का डायमीटर जो हमने पीछे अभी कवर किया है, और टी जो है ना नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील, नंबर ऑफ टीथ जो है ना हमने 10 ले लिया 12 ले लिया, जितने नंबर ऑफ टीथ है उसे डिवाइड कर लेते हैं, तो आगे पास जो है ना वो आगे पास जो उसको जो है ना हम जो आ जाता है उसको हम सर्कुलर पिच कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि आप जब दो गेयर आपस में मैश कर रहे हैं तो वो उस वक्त तक जो है ना जो उसके अंदर जो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जो शो दैट दैट द टू गेयर्स विल मैश टुगेदर करेक्टली इफ़ द टू व्हील्स हैव द सेम सर्कुलर पिच। आगे बाद जो सेम सर्कुलर पिच होगी तो फिर हम जो है ना उसमें जो दो गेयर आपस में मैश हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे, अदरवाइज जो है ना आपके पास जो है ना वो जो है ना उसके अंदर अगर ये आपस में सर्कुलर पिच सेम ना हुई तो उसमें अंदर उसके अंदर जो है ना काफ़ी जो है ना उसके अंदर वाइब्रेशन आ सकती है, और उसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसमें जो है ना अगर आपका सर्कुलर पिच सेम ना हो, मैश भी नहीं होता, और इसके अंदर वेयर टेयर के भी चांस ज़्यादा होते हैं, अगर आपके पास एक टीथ बड़ा है और एक छोटा है तो उसके अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें इस तरह के हमारे पास इश्यूज़ आते हैं। इसी तरह आपके पास अगर हम ये देखें एक जो है ना उसको एक डेरिवेशन इसमें ली है सिंपल सर्कुलर पिच की, कि उसने कहा टू मैशिंग गियर हैव द टीथ जो है ना, उसने दो जो है ना जो उसकी वो रेशियो ले रहे हैं, मतलब आगे पास एक गियर यहाँ पे इसके साथ ऊपर मैश हुआ हुआ है, तो उसकी जो है ना डायमीटर और जो उसके दोनों के डायमीटर और उसकी जो है ना हमने पिच ले लिया है, तो ये इसको हम जो है ना आपस में डी पाई डी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पाई डी टू ओवर टी टू को जो है ना हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्योंकि पाई इससे कट जाएगा तो हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे डी वन ओवर डी टू इज इक्वल टी वन ओवर टी टू, ये आगे पास एक जो है ना वो आगे पास एक डेरिवेशन सिंपल इक्वेशन आ गई है कि अगर आपके पास डी वन गिवन है और डी टू गिवन है, टी वन गिवन है तो आप टी टू निकाल सकते हैं, इसी तरह अल्टरनेट जो भी आपके पास तीन चीज़ें गिवन है उसको आप उसमें से इसमें जो है ना निकाल लेते हैं जब आप दो गियर आपस में मैश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायमीटरल पिच, डायमीटरल पिच भी जो है ना आपके पास जो बेसिकली एक रेशियो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर, मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ टीथ हैं जिसको हम कैपिटल टी लेते हैं, और आगे पास जो पिच सर्कल का डायमीटर है मिलीमीटर के अंदर जो कैपिटल डी में, जिसको हम जो है ना जैसे हमने पिछले उसमें अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो है हमने लिया है, तो इसकी जो रेशियो होती है वो बेसिकली आपके पास डायमीटरल पिच होती है, और ये भी जो इसकी जो है ना जब हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं और इसकी जो है ना, और इसी तरह ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल जो है ना डायमीटरल पिच का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब जो रेशियो आपने टी बाय डी की ली है, इसी तरह जब हम इसकी जो रेशियो लेते हैं पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये आपके पास कैपिटल डी ओवर टी का जो है ना मॉड्यूल हो जाता है। अच्छा अभी लेते क्यों हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर इसकी जो ज़रूरत पड़ती है जब किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, जब इसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं या जब हम इसको खरीदते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, मॉड्यूल क्या है, इसका डायमीटर पिच क्या है, ताकि आपस में जो है ना जो है इसकी जो है ना ओवरऑल साइज ऑफ द गियर जो है ना वो बेसिकली इन चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ टीथ और इनकी जो रेशियो है।